दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मटेरियल में। दोस्तों, यूपी पुलिस और ग्रुप डी के पेपर आ रहे हैं, उसके बाद RPF भी है और वीडियो के भी पेपर हैं, इसलिए मैंने हिस्ट्री स्टार्ट की है। और ये हिस्ट्री का आज शायद मेरा चौथा पार्ट है, पार्ट 4 है हिस्ट्री का। दोस्तों, कल मैंने बात की थी मोहनजोदड़ो तक, लेकिन आज उसके आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, मैं ये सिर्फ आपको बेसिक नहीं पढ़ा रहा, मैं इसमें टोटल कंप्लीट हिस्ट्री लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, ये कंप्लीट हिस्ट्री है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन तो मैं डाल लूंगा, वो इस हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन क्वेश्चन डालने स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री के, उसके बाद पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस भाई ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे नया आया है, विजिट कर रहा है नया, वो चैनल को सब्सक्राइब करे जरूर, क्योंकि मैं हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, स्पेशली यूपी की, और उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ की आपके रिक्वायरमेंट, किस चीज़ की है आपको, कौन सी चीज़ चाहिए आपको। और दोस्तों, टारगेट 100 सब्सक्राइबर का डेली है, तो आप उसे जरूर पूरा करें, ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चंद होदड़ो। दोस्तों, ये जो चंद होदड़ो है, यह है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मोहनजोदड़ो जो है, ये चंद होदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इसको याद कर सकते हो, जोदड़ो मोहन में आता है जोदड़ो, और चंद में आता है होदड़ो, यानी कि दोनों के दोनों आसपास ही है, इसे आप याद कर सकते हैं आसपास क्या। तो यह जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, चंद मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंद होजड़ो, ठीक है दोस्तों। यह भी पाकिस्तान में है, देखो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तो यह भी पाकिस्तान में ही होगा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर था। औद्योगिक शहर का मतलब है दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर कौन सा था, तो औद्योगिक शहर कौन सा था, चंद होजड़ो। औद्योगिक मतलब होता है इंडस्ट्रियल एरिया था इसमें पहले, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ से क्या क्या मिले हैं, जब कोई औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया था तो यहाँ से क्या मिले हैं, मनके के कारखाने मिले हैं, चूड़ी की फैक्ट्री मिली है, यानी कि मनके तैयार करने वाले कारखाने, चूड़ी की फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ केवल छोटे छोटे कमरे भी मिले हैं, देखो बड़े बड़े कमरे नहीं मिले, छोटे छोटे कमरे मिले हैं। और इनका मतलब क्या लगाया जाता है, इनका अनुमान लगाया जाता है कि ये छोटे छोटे कमरे जो मिले हैं, इनमें शायद मजदूर रहते थे, इसलिए छोटे छोटे कमरे मिले हैं, बड़े बड़े कमरे नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे कमरे हैं, क्योंकि इनमें मजदूर रहते थे फैक्ट्रियों में काम करने वाले, ठीक है दोस्तों। चंद होदड़ों में सिर्फ इतना ही है, उसके बाद हम शुरू करते हैं लोथल, ठीक है दोस्तों। ये लोथल जो है, ये हमारे इंडिया में पड़ता है, भारत में पड़ता है, ठीक है। तो लोथल जो है, यह कच्छ अक्षेत्र गुजरात में है, यानी कि गुजरात में स्थित है, कच्छ के अक्षेत्र में गुजरात में स्थित है लोथल, ठीक है। पूछ लिया जाता है लोथल किस राज्य में पड़ता है, तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है। किस नदी के किनारे लोथल है, भोगवा या फिर भोगवर नदी के किनारे तट पर स्थित है लोथल। दोस्तों, यह जो है लोथल, यह सिंधु घाटी सभ्यता का अंतरराष्ट्रीय शहर भी था, यानी कि यहाँ से बाहर दूसरे शहरों में, यानी कि देशों में व्यापार भी होता था, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय शहर भी बोलते थे। और यहाँ से हमें काफ़ी सारे बंदरगाह मिले हैं, बंदरगाह यानी कि जहाँ पे जहाज खड़े होते हैं उनको बंदरगाह बोलते हैं, और यहाँ से बहुत सारे बंदरगाह मिले हैं, बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मेसोपोटामिया सभ्यता, एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया, उसके सिक्के भी यहाँ से मिले हैं, क्योंकि आदान प्रदान होता था सामानों का बंदरगाह के थ्रू, ठीक है। बंदरगाह पे उनके जहाज आके खड़े होते थे, सामान लेके जाते थे, लाते थे वहां से, तो उनके सिक्के भी यहाँ से मिले हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के, ठीक है। इससे सिक्के पे मेलुहा लिखा हुआ है, ठीक है। मेलुहा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिक्के मिले हैं मेलुहा लिखा है, और मेलुहा का मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ से सिक्के बनाने की मशीन मिली है, जो सिक्के बनाती थी उस टाइम पे, उसकी मशीन मिली है, ठीक है। जो अब आपको यहाँ से और जो चीजें मिली है, मेन मेन चीजें जो है, हाथी के दांत मिले हैं, दांत का स्किल, ठीक है। यहाँ से चावल के अवशेष मिले हैं, यहाँ से हवन कुंड भी मिला है, ठीक है। यहाँ से घोड़ी की मूर्ति मिली है,
यहाँ से अन्नागार मिले हैं, यहाँ से जहाज बनाने के कारखाने मिले हैं, यहाँ से पुरुष के साथ स्त्री का दफन शरीर मिला है। देखो इतनी सारी चीज़ें मिली हैं, इनमें सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लोथल। लोथल अंतर्राष्ट्रीय शहर था। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है बंदरगाह। यहाँ से बंदरगाह यानी कि एक तो ये आपको याद रखना है, जहाज बनाने के कारखाने मिले हैं ठीक है, और बंदरगाह यहीं से है, यहीं पे है बंदरगाह के अवशेष मिले हैं ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए, लोथल के लिए। लोथल के बाद हम आ जाते हैं कालीबंगा पे। कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये भी हमारे भारत में ही है और गंगानगर जिला राजस्थान में है। यानी कि कालीबंगा किस जगह है, राजस्थान में, राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। और इसको ये अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बातें बता दूं, मेरा तो यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन इसके सबसे इम्पोर्टेंट है चूड़ियों का शहर कहा जाता है। इसे काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है और यहाँ से चूड़ी के अवशेष भी मिले हैं ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए यही है, बाकी तो हवन कुंड देखो कितनी जगह से मिल चुके हैं, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कालीबंगा से चूड़ियों के अवशेष मिले थे। यहाँ से हवन कुंड मिला है, यहाँ से जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, यहाँ पर घर घर में कुएं भी मिले हैं ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब हम बात करते हैं बनवाली की। ये जो बनवाली है ये छोटे छोटे शहर तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो तो हो चुके हैं, अब बनवाली की हम बात करते हैं। बनवाली जो है यह हिसार जिला हरियाणा में है, हमारे भारत में ही है, हिसार जिला में पड़ता है हरियाणा के ठीक है। इसके बाद यहाँ से हल्की मूर्ति मिली है, हल्की मूर्ति, यहाँ से जल निकास के प्रमाण मिले हैं ठीक है दोस्तों। अब हल्की मूर्ति की बात करें तो बनवाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वो है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा यानी कि यह लोथल के पास गुजरात में ही स्थित है। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा लोथल के पास गुजरात में है और यहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। बस इसके लिए इतने काफ़ी है, ये चीज़ें आप नोट करते रहना। इसके बाद हम बात करते हैं रंगपुर की। यह भी लोथल के पास गुजरात में ही है ठीक है दोस्तों। और यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से चावल के साथ घोसा मिला है ठीक है। यानी चावल और चावल के ऊपर का जो छिलक होता है, छिलका, वो जो मशीन से निकाला जाता है वो, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ से मिली है। इसके बाद एक छोटा सा और एक शहर है सुक्ता जेंडोर, यह कराची पाकिस्तान में है ठीक है। और यहाँ से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन सा था बंदरगाह के लिए, लोथल। ये नामचारे का है, इम्पोर्टेंट है लोथल ठीक है। उसके बाद आता है राखीगढ़ी, यह झज्जर के पास हरियाणा में है। राखीगढ़ी भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही शहर है और यह झज्जर के पास हरियाणा में है ठीक है दोस्तों। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। ये चीज़ें हमको याद करनी है। इब इसकी खुदाई पूछ सकता है, इसकी खुदाई किसने करवाई थी भाई, इसकी खुदाई करवाई थी 1998 में ASI द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी ठीक है दोस्तों। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, इसको आप नोट करते रहना या फिर आपका मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है। अब बात करते हैं हम धोलावीरा, यह है गुजरात में स्थित है। यहाँ से त्रिस्थलीय भवन मिले हैं ठीक है, त्रिस्थलीय भवन मिले हैं और इसको सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी कहते हैं ठीक। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरी राजधानी किसे कहते हैं, तो धोलावीरा, ये चीज़ें याद करनी है आपको। इसके बाद आता है चंदियान, यह बागपत जिला यूपी में है ठीक है दोस्तों। और इसकी खुदाई 2014 में ASI द्वारा की गई थी। यहाँ से आदमी के साथ ताज मिला है जो कोपर का बना है ठीक है। ये हमारे शहर थे, ये खत्म हो चुके हैं। इसके बाद शहर हमारा टॉपिक, शहर का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ से मिले हैं, किस राज्य में मिले हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद करनी है, ये गुजरात राज्य था हमारा जहाँ से सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, उनका जीवन कैसा था। तो दोस्तों सिंधु इस सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि और व्यापार था, यानी कि कृषि और व्यापार करते थे। यहाँ पर कपास की खेती होती थी ठीक है, कपास की खेती यहाँ पे होती है। और कपास की खेती सर्वप्रथम, सबसे पहले, ये सर्वप्रथम याद है ना, ये याद रख लेना, कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे। तो सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में। अब क्वेश्चन है कि इंडिया यूनानी भाषा से लिया गया है, क्वेश्चन पूछ लेता बहुत बार, इंडिया किस भाषा का वर्ड है, तो ये यूनानी भाषा का वर्ड है, शब्द है। भारत संस्कृत शब्द है
और इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। हिंदुस्तान फारसी शब्द है, ये हमारे देश के तीन नाम हैं और ये तीनों के तीनों इंडिया यूनानी शब्द है, भारत संस्कृत शब्द है, हिंदुस्तान फारसी शब्द है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूछ लेता है कि सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिन्हाज ए सिराज ने किया था। ठीक है, ये मिन्हाज ए सिराज ये याद रखना, मिन्हाज ए सिराज ने भारत का सर्वप्रथम नाम लिया था हिंदुस्तान। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि भारत का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों भारत का वास्तविक नाम था जम्बूद्वीप। ठीक है, जामुन के पेड़ के अधिकता होने की वजह से इसका नाम था जम्बूद्वीप। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसल पैदा करते थे। तो इन्होंने धान, गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर, सरसों, ठीक है, इन चीजों का ये फसल पैदा करते थे, कपास भी इसी में थी। ठीक है, आज मैं आप लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करा दूंगा, उसके बाद हम चलेंगे लोह युग, आर्यन युग और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या उन कौन से जानवरों को पालतू बनाते थे, ये चीजें भी याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभी पालतू जानवरों को पालतू बनाते थे, पर गाय व घोड़े को ये पालतू नहीं बनाते थे। अब क्वेश्चन यही आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को पालतू नहीं बनाते थे। तो उसमें तीन चार ऑप्शन देगा, चार उन चार में तीन ऑप्शन तो वो देगा जो हम ये पालतू बनाते थे, और एक ऑप्शन दे देगा गाय या घोड़ा, यानी कि जिन्हें ये पालतू नहीं बनाते थे। ठीक है, तो याद रखना है गाय और घोड़े को ये पालतू नहीं बनाते थे। इसके बाद बात करते हैं गाय की मूर्ति पूरी सिंधु सभ्यता में घाटी में किसी भी स्थल से नहीं मिली है, क्योंकि ये गाय को पालतू नहीं बनाते थे, उसकी मूर्ति भी कहीं से नहीं मिली है। ठीक है, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। ये आपको मैंने बताई दिया है कि उनका आर्थिक जीवन कृषि और व्यापार पर निर्भर करता था, इसलिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे, ये चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, ये लोग ईरान, इराक, ओमान, बहरीन व अफगानिस्तान से व्यापार करते थे। ये वो देश है जिनसे ये व्यापार करते थे उस टाइम पे, ईरान, इराक, ओमान, बहरीन व अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इन देशों से ये चांदी, तांबा, टिन व कीमती पत्थर मंगवाते थे। क्वेश्चन आया था ना इन देशों से क्या मंगवाते थे, तो चांदी, तांबा, टिन व कीमती पत्थर ये इसी देश से मंगवाते थे। अब आप इनको ये चीजें नोट करते रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोना कर्नाटक से मंगवाते थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोना कहाँ से मंगवाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो ये सोना कर्नाटक से मंगवाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभी धातु का प्रयोग करते थे, पर वह लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उस टाइम तक लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। अब हम बात करते हैं अगली हेडिंग, जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन तो हो ही चुका है, अब आपको करना है धार्मिक जीवन। आर्थिक जीवन तो आप जानते हैं कृषि और व्यापार, धार्मिक जीवन की हम बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का धार्मिक जीवन, ये मूर्ति की तो पूजा करते थे पर प्रकृति की पूजा नहीं करते थे। ये मूर्ति पूजा करते थे लेकिन प्रकृति की पूजा नहीं करते थे। ये आग देवता की पूजा करते थे, यानी अग्निदेव की ये पूजा करते थे। ये हाथी, सांड, गैंडा, कुत्ता तथा पांडुक पक्षी की भी पूजा करते थे, यानी ये हाथी, सांड, गैंडा, कुत्ता तथा जानवर पांडुक, इनकी भी ये पूजा करते थे, इन जानवरों की भी। ठीक है, और ये जादू टोना में विश्वास करते थे, ये इनका धार्मिक जीवन था। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के लिए क्या है कि इनका पतन कैसे हुआ। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हम आपको बता देते हैं। इसके लिए अलग अलग राय है, अलग अलग मशवरे हैं बहुत से वैज्ञानिकों के, लेकिन इसके जो दो सबसे इम्पोर्टेंट सब जिन पे मानते हैं जिन चीज़ों को, वो क्या थी, एक तो जलवायु परिवर्तन और एक कमजोर उत्तराधिकारी। ये दो रीजन इनके जो है एनसीईआरटी में माने गए हैं कि ये जलवायु परिवर्तन और कमजोर उत्तराधिकारी की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पतन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुकी है और कल से हम शुरू करेंगे लोह युग या आर्यन युग। ठीक है,
तो आप जहाँ तक मैंने करा दिया ये बिल्कुल पक्का याद कर लेना है आपको, और कोशिश करना कि इसको नोट करें और वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करा करो, ठीक है। और दोस्तों टारगेट 100 सब्सक्राइबर का है, 100 क्या 150 करोगे आप, अगर 100 आप कर सकते हैं जितने ज़्यादा कर सको उतने अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है। और हम आपको हमेशा जब जब आप बोलोगे जिस चीज़ को आप बोलोगे वो चीज़ हम आपको प्राइवेट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है दोस्तों। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।